नमस्कार, मैं हूं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं सवाल आपका। कोरोना ने जिस कदर तबाही मचा रखी है उसमें दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हो गई हैं, एक तो ऑक्सीजन और एक समय पर अस्पताल। अब दोनों में से ही कोई भी चीज मिलना इतना मुश्किल हो गया है जैसे चांद पर जाने जैसी कोई बात हो रही हो। वहां तक कोई पहुंच भी जाता है तो वहां तक जाने के लिए जो रास्ता चाहिए, जो तरीका चाहिए, वो है एम्बुलेंस का, जो ऑक्सीजन के सपोर्ट के साथ हो। और उस एम्बुलेंस में जाना इस तरीके का हो गया है जैसे आप चांद पर जाने की सोच रहे हो, इतना महंगा और इतना ज्यादा पैसे मांगे जा रहे हैं। और यहीं से शुरू होता है खेल कालाबाजारी का। इस कालाबाजारी के खेल में बहुत सी शिकायतें हुई और इन शिकायतों को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने एम्बुलेंस के किराए के जो दरें हैं वो तय कर दी। यानी कि जो बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम से लेस एम्बुलेंस है वो ₹7 प्रति किलोमीटर, और जो क्रिशियल लाइफ यानी कि जिसमें जो बड़ी गाड़ी है और उसमें लाइफ केयर सपोर्ट को देखने के लिए और लंबी दूरी तक जाने के लिए तमाम सुविधाओं से वो लेस है, तो उसके ₹15 प्रति किलोमीटर। ये रेट तय हुए तो एम्बुलेंस संचालक हैं वो परेशान हो गए, नाराज हो गए और विरोध करने लगे। बहुत सी एम्बुलेंस चली नहीं तो दिक्कत आनी यहां से शुरू हो गई। तो इसीलिए हम सवाल उठाते हैं कि आपदा में अवसर की जो बात हो रही थी, क्या अब आपदा में लूट जैसी परिस्थिति बन गई है? आप भी अपने आसपास तमाम चीजें देखते होंगे, उन्हीं को मद्देनजर रखते हुए आज सवाल आपका में हम बात इसी विषय पर करेंगे, और बात जब उठेगी तो बात दूर तक जाएगी। तो शुरुआत करेंगे, सबसे पहले वो बयान आपको सुनवाते हैं जब शिकायतें आनी शुरू हो गई कि एम्बुलेंस संचालक ज्यादा पैसे मांगता है, 1 किलोमीटर जाने के भी 5,000 ले लेता है, तो ऐसे में सरकार ने क्या कदम उठाया वो सुनवाते हैं डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का एक बयान। फिर टैक्सी ड्राइवर और जो एम्बुलेंस ड्राइवर है वो क्या कहते हैं वो भी आपको सुनवाएंगे। पहले सरकार का बयान आप सुने। सरकार का ऑलरेडी आदेश आ चुका है कि ₹7 और ₹15 किलोमीटर के माध्यम से ज्यादा कोई विचार नहीं। तो ₹7 और ₹15 से ज्यादा कोई भी लेगा तो ₹50,000 उसको दंड देना पड़ेगा। उसकी एम्बुलेंस सीज भी हो सकती है, उसको उसके रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल हो सकते हैं, ड्राइवर को भी पकड़ा जा सकता है। बहुत सारी इसमें कड़े प्रावधान किए गए हैं। तो इन प्रावधानों के अब चक्कर में, इसके फेर में जो एम्बुलेंस के ड्राइवर हैं, एम्बुलेंस संचालक हैं, वो फंस गए हैं। तो एक एम्बुलेंस ड्राइवर से इसी कड़ी में हमने बात करी तो वो क्या कहता है वो आप सुने। सरकारी मेडिकल में ऑक्सीजन है, अगर हमने ऑक्सीजन मिले तो हम मरीज जाने जो जायज रेट थे हमारे पहले उन रेट हमें शिफ्ट करवा सका हूँ। अगर हमने ब्लैक पर चीज लेनी पड़ेगी तो हमें ₹2 कमाने की भी सोचेंगे फिर उसमें, तो ये मैं नहीं होगा मामला, ऑक्सीजन दबाओ सरकार। ब्लैक पर चीज मिलेगी तो हम ₹2 कमाने की भी सोचेंगे। इस बात को, इस वाक्य को आप ध्यान में रखें। इस पूरे चर्चा के दौरान, इस पूरे कार्यक्रम के दौरान ये बार बार इसका जिक्र होगा और आपके दिमाग में भी ये बात कौन देगी, क्योंकि हर कोई यही तो सोचता है कि ₹4 में चीज मिली तो कम से कम 5 में तो बेचूं, ₹1 मुनाफा तो मिले। और यही चक्कर है कि जब ऑक्सीजन उनको महंगी मिल रही है, ब्लैक में मिल रही है, तो फिर वो ऑक्सीजन सपोर्ट वाली एम्बुलेंस में मरीज को ले जाने के कम पैसे कैसे ले सकता है? उसको तो जितने पैसे लगे हैं वो थोड़ा मुनाफा वो भी तो कमाएगा। ये बात मुनाफे की जो सोच है यहां से ही उठती है आगे। और फिर इसके बाद चर्चाएं होनी शुरू हो गई। गुड़गांव में काफी 250 के करीब एम्बुलेंस चलती है, वहां के जो एम्बुलेंस संचालक है वो एकजुट हो गए और उन्होंने बात करी, प्रशासन तक बात ले जाने की कोशिश की और कोशिश करी कि कहीं बीच में रेट तय हो जाए। तो प्रशासन ने एक रेट तय कर दिया लेकिन उनको यहां पर भी संतुष्टि नहीं है। उनकी बात एक बार सुन लीजिए, फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे और आपके सवाल भी आमंत्रित हम करेंगे, लेकिन उनकी बात सुने वो क्या सोचते हैं। 3 तारीख को एक नोटिस आया था, उस नोटिस में ₹7 और ₹15 पर किलोमीटर का रेट तय किया था सरकार ने, छोटी गाड़ी का 7, बड़ी का 15। उस रेट में पेट्रोल ही होना मुश्किल था, बाकी ड्राइवर हो गया, आज में जैसे पीपी किट वगैरह चल रही है, आज सब ₹500 पीपी किट हो गई, और दूसरे जितने भी खर्चे गाड़ी की EMI होगी, ड्राइवर सैलरी होगी, वो निकलना तो दूर की बात थी, उसमें पेट्रोल ही पूरा नहीं हो रहा था। तो सारे लोग उसमें एक चीज़ और लिखी थी, भाई जो इन रोड से ऊपर चलाएगा उसको ₹50,000 जुर्माना और जेल जाना पड़ेगा, ये प्रशासन के आदेश थे। तो सारे साथी डर गए थे, भाई गाड़ी चलाए ₹7 में गाड़ी चलेगी नहीं, फालतू लेंगे तो जेल जाना पड़ेगा। तो उस चक्कर में सारे साथी डर गए थे, गाड़ियाँ कम चला रहे थे। अब कल हम चंडीगढ़ गए थे, पंचकुला मिले थे NHM ऑफिस में, उन्होंने एक आदेश दिया कि हर ज़िले का DC कल आपको बुलाएगा और एसोसिएशन के साथियों के साथ मिल करके जो आपका नो प्रॉफिट लॉस का रेट है वो निकाल के तय करेंगे। लेकिन आज वो रेट पहले ही आ गया, हम नहीं पहुंच पाए। रेट आज भी वही है, उसी तरह का है,
अब हमारा जो कम से कम एक खर्चा सेल्फ मारते ही शुरू हो जाता है वो पीपी किट और सैनिटाइजर का हो जाता है। 100% कोविड पेशेंट है, पीपी किट 500 रुपये की आती है, 250-300 रुपये और ऊपर से खर्चा हो जाता है। अब सवाल हैं बहुत सारे, खबर फास्ट कुछ सवाल उठा रहा है, बहुत से सवाल आपके मन में भी होंगे। तो आपदा में सांसों के सौदागर कौन है, एम्बुलेंस के बेतहाशा किराए पर शिकंजा कब लगेगा और क्या सरकार के आदेश को नहीं मानते एम्बुलेंस संचालक, ये बहुत बड़े सवाल हैं। और उधर कालाबाजारी रोकने के सरकारी दावे जमीन पर कितने सही हैं, उस वाक्य को एक बार फिर से आप याद कीजिए जो एम्बुलेंस का ड्राइवर कहता है कि दो अगर हमें काला बाजारी के तहत हमें ऑक्सीजन मिलेगी तो दो पैसे हम भी कमाने की सोचेंगे, तो क्या कालाबाजारी नहीं रुक रही है? यह सबसे बड़ा सवाल, सबसे महत्वपूर्ण, इसी सवाल को लेकर आप भी हमें कॉल करें, अपनी बात रखें। हमारे टेलीफोन नंबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, इनमें से किसी भी नंबर पर आप हमें कॉल करें, तुरंत फोन उठाएं और हमसे बात करें। इस कार्यक्रम के दौरान अपनी बात को रखें। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी से मोहनलाल गेरा हैं और एम्बुलेंस यूनियन के प्रधान हैं सुरेंद्र तंवर, जिनकी बात अभी आप सुन रहे थे। तो बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। जैसा कि आपको जानकारी है कि ये कार्यक्रम हमारा आम लोगों से, हमारी जनता, हमारे व्यूअर से बातचीत करने का, उनके सवाल उठाने का है। तो बहुत सारे सवाल उनकी तरफ से पहले आए, उनको हमने कार्यक्रम में शामिल कर लिया है। कुछ और लोग जो कार्यक्रम के दौरान फोन करेंगे उनके सवालों को भी शामिल करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत हम आपसे ही करते हैं, सुरेंद्र तंवर आप बता दीजिए क्या समस्या है, 7 रुपये और 15 रुपये सरकार ने तय कर दिए, तो समस्या आप लोगों को कहाँ है? देखो समस्या तो हमारे जो रेट चल रहा है सालों से, प्राइवेट हॉस्पिटलों का हो या प्राइवेट एम्बुलेंस ऑपरेटरों का हो, वो एक निर्धारित था। इस महामारी में कई बिचौलिया ऐसे आ गए जिन्होंने एम्बुलेंस को भी बदनाम किया और वास्तव में उन्होंने कालाबाजारी भी की। लेकिन हमारे जो ऊपर रेट लगाए, जो रेट चालू किए 3 तारीख को, 7 रुपए में तो आप सभी गाड़ी चलाते हो, 1 किलोमीटर में लगभग 10-12 रुपए खर्च होता है गुड़गांव और दिल्ली जैसे शहर में। उसके पर अगर कोई एक्स्ट्रा चार्ज करते तो 50,000 रुपए जुर्माना और जेल का प्रावधान था। प्रशासन ने ये रेट पता नहीं आनंद फानंद में लिए या किस सोच के साथ लिए, हमारे साथ ही डर गए। ऐसा नहीं था कि सारी गाड़ी बंद थी, इमरजेंसी के लिए गाड़ी दे रहे थे लोग, लेकिन वास्तव में डर गए थे कुछ साथी, इतने में तो तेल भी पूरा नहीं होगा और हो सकता है 1 दिन चला ले, 2 दिन चला ले, इतने तो सारे धनाढ्य नहीं है। तो उसमें कुछ साथी डर गए तो उन्होंने 1-2 दिन सर्विस कम कर दी थी। लेकिन जब सरकार को बताया, माननीय मुख्यमंत्री जी के समझाने में बात आई, उन्होंने सब जिले में आदेश दिया, फिर डीसी साहब सारे संचालकों के साथ बैठ के बात करें और नो प्रॉफिट नो लॉस का कम से कम उनका ठीक है। अभी गुरुग्राम में ये बात हुई है कि 500 रुपए शुरुआती चार्ज है और 25 रुपए प्रति किलोमीटर वो उसके बाद ले सकते हैं, तो 3 किलोमीटर तक का ये है। उसके बाद इसी तरह 7 किलोमीटर, 3 से 7 किलोमीटर के बीच में रेट और आगे बढ़ा है और फिर उससे ऊपर जो है वो अलग अलग ये स्लैब बना दिए हैं, उससे कोई समस्या है अभी? अभी 500 रुपए का रेट बना है, पहले 3 किलोमीटर का। हाँ रेट ठीक है क्योंकि हाँ। 3 किलोमीटर में कितना तेल फूकता है, बहुत कम फूकता है हाँ। लेकिन जो आज कोविड महामारी है इसमें एक पीपी किट आप कम से कम लगा लो, बुरी से बुरी पीपी ठीक है, पीपी किट हो गया और सैनिटाइजर हो गया, आप ये कह रहे हैं है ना? और ड्राइवर जैसे 2-2 घंटे कहीं खड़ा है धूप में, पानी उसका खर्चा हो गया, तो उसमें हमारा 500-700 रुपए एक्स्ट्रा खर्चा हो ही जाता है, तो वो 500 रुपए तो पीछे हट गए। अच्छा ठीक है, चलिए ठीक है, ये आपकी बात हो गई। अब एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे पूछ लेते हैं। कपिल है हमारे साथ, एक हमारे दर्शक। कपिल आप जुड़ गए, अपनी बात रख सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। कपिल अपने टेलीविजन की आवाज को आप कम कर ले, म्यूट उसे कर दें, उसके बाद अपनी बात रखें। सर मेरा सवाल तो ये है कि सिर्फ जैसे ये भाई साहब जो बताइए, मेरा सवाल तो सिर्फ इन यूनियन के प्रधान से भी है और गवर्नमेंट से भी है। गवर्नमेंट अगर ये कह दे कि जैसे भाई साहब जो कह रहे हैं सैनिटाइजर का जो खर्चा है, इसका मास्क का जो खर्चा है, इसको गवर्नमेंट वो करे ना, और गवर्नमेंट सारा ऑक्सीजन के सिलेंडरों का सारा सब कुछ एक रेट करके सारी हॉस्पिटलों से सूचित करे
हाँ। और सारा सब कुछ एक रेट करे तभी तो जाके सारा सब कुछ ठीक होगा, ऐसे कैसे ठीक हो जाएगा। चलिए ये बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है, बहुत शुक्रिया, आप जुड़े, अपनी बात आपने रखी। ठीक है, अब मोहनलाल जी आपके पास आ गए हैं, मुझे लगता है कि दो मुख्य पॉइंट आ गए हैं, एक दर्शक ने भी उठा दिया, एक अभी सुरेंद्र जी भी उठा रहे हैं, जवाब दे दीजिए सर। मोहनलाल जी आवाज। जी जी जी, देखिए अभी जो सुरेंद्र यूनियन के जो प्रधान है सुरेंद्र जी जो बात कर रहे थे, मैं उनकी बात से भी सहमत हूँ कि एक गाड़ी को अगर चलना है तो उसके ड्राइवर का भी खर्चा निकलना चाहिए, गाड़ी के पेट्रोल डीजल का भी निकलना चाहिए और जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है उनके खर्चे भी निकलने चाहिए। लेकिन साथ साथ सुरेंद्र भाई इस बात को जरूर मानेंगे कि आज जो ये महामारी है और ये जो आपदा में खड़े हैं, जहां सबसे पहली प्रायोरिटी चाहे सरकार हो, चाहे आपका चैनल हो, चाहे सुरेंद्र जी हो, चाहे मैं हूँ, सबसे पहली प्राथमिकता है जो लोग ऑक्सीजन की वजह से मर रहे हैं, जिनको अस्पताल ना पहुंचने की वजह से जिनकी दर्दनाक मौत हो रही है, वो स्थान तक पहुंचे, उनको जो सुविधा चाहिए वो मिलनी चाहिए, पहली प्राथमिकता हमारी ये है। जहां तक बात दूसरी, अब दो बातें आती हैं कि एक तरफ सुरेंद्र जी कहते हैं कि भाई बेसिक खर्चा निकलना चाहिए, दूसरी तरफ सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए कुछ शक्ति बरती है। हाँ। ये शक्ति उन लोगों के लिए नहीं है, सुरेंद्र जी यूनियन के हमारे प्रधान है, ये उनके लिए नहीं है जो अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं। हाँ। अपने भाड़े को सही रेट पे सही हिसाब से जो मरीज और मरीज के परिवार से चार्ज करते हैं, ये शक्ति उन लोगों के लिए है जिन्होंने 3-3 किलोमीटर के लिए अरुण जी जो 10-10 हजार रुपए 15-15 हजार रुपए 25-25 हजार रुपए दिल्ली में 4 किलोमीटर घूमने के लिए लिया, दिल्ली से अगर बाहर जा रहे हैं तो वो 40-40 हजार रुपए मांग रहे हैं। अभी एक ये उन लोगों के लिए कानून बना है, ये हमारी लुधियाना तक 1,20,000 रुपए काम ईमानदारी से कर रही है उनके लिए नहीं है। हाँ ठीक बात है, गुड़गांव से लुधियाना 1,20,000 रुपए, रोहतक में ही 1 किलोमीटर के 5,000 रुपए चार्ज कर लिए, बताइए 1 किलोमीटर पे सुरेंद्र जी कितना पेट्रोल लग जाता होगा, बताइए उस पे कितना तेल उसका लग जाएगा, कितना खर्चा, क्या 5,000 रुपए जायज बनता है क्या? मैं इसके लिए आपको एक बात बता दूं, कई बार परिस्थिति ऐसी होती है कि हमें नहीं पता हमसे कौन बात कर रहा है। हाँ। अब गूगल का जमाना है, नेट का जमाना है, लोग सबसे पहले नेट पे सर्च करते हैं नियर मी एम्बुलेंस सर्विस, एम्बुलेंस सर्विस इन गुड़गावा, और उस पे जितने भी मोबाइल ऐप बना करके बैठे हैं वो सारे ऑपरेटर नहीं है, वो सिर्फ कॉल सेंटर चलाते हैं और वो ही रेट तय करते हैं, और फिर वो हमारे जैसे मोबाइल एम्बुलेंस ऑपरेटर को कॉल करते हैं, भैया मेरा पेशेंट है, मुझे यहाँ से यहाँ जाना है, बताओ कितने पैसे लोगे, हम जितना अपना वेस्ट होता है उसमें भी कहते हैं भैया गरीब हूँ मेरे पास पैसे नहीं है, हमारा संचालक फिर भी कम कर देगा, लेकिन वो मरीज से जो मोबाइल ऐप वाला है, नहीं नहीं मोबाइल ऐप, मोबाइल ऐप की बात ठीक है, वो कुछ केसेस में जरूर होगा, और मोबाइल ऐप पर तो पहले पता चल जाएगा कि कितना चार्ज है, उसको सही लगेगा तो वो लेगा, नहीं तो छोड़ देगा, वो अलग बात है। लेकिन जो बात अभी मोहनलाल जी भी जिसका जिक्र कर रहे हैं, बहुत सारे केसेस ऐसे दिखे हैं, और आज की खबर है 5,000 रुपए ले लिए गए 2 किलोमीटर के, 2 दिन पहले रोहतक में 1 किलोमीटर के 5,000 ले लिए, 1 किलोमीटर भी नहीं है, लॉकडाउन है, सड़कें खाली हैं, सीधा 3 मिनट का भी रास्ता नहीं है वहां तक के भी 5,000, बताइए ये बात तो सही नहीं है ना, ये ऐसा अगर होगा तो लोगों का विश्वास तो उठ रहा है। अरुण जी मैं वही बात बता रहा हूँ, वो एम्बुलेंस किसने की थी, डायरेक्ट पेशेंट ने एम्बुलेंस वाले से बात की थी या किसी मोबाइल ऐप वाले के थ्रू आया था, क्योंकि सबसे ज्यादा जिसमें हमें जो बदनामी दी है मोबाइल ऐप वालों ने दी है, 30-30 हजार रुपए मरीज और एम्बुलेंस वाले के बीच में मोबाइल ऑपरेटर। अच्छा एक चीज और बताइए, अभी एक दर्शक बता रहे थे कि सरकार के बीच और जो पीपी किट का आपने खर्चा बताया तमाम चीजों की, जो चीजें अलग के खर्चे हैं, पीपी किट सैनिटाइजर मास्क की चीजें मोटे तौर पर हम जोड़ लेते हैं, बाकी खाना पीना है तो हर व्यक्ति अपने कभी ड्यूटी पर जाता है तो अपना लंच वगैरह जो भी साथ लेकर जाता है वो चीजें अलग है, उसको हटा देते हैं, मोटे तौर पर जो रिक्वायरमेंट है उनको जोड़ लेते हैं और आपका गाड़ी का खर्चा जो आता है उसको जोड़ लेते हैं, तो आप सोचकर रखिए कि कितना कम से कम आपको मिले। उसी बीच एक दर्शक हमारे साथ हैं, पहले उनकी बात, नीरज है हमारे साथ जगाधरी से, नीरज जी अपना सवाल अपनी बात आप रख सकते हैं। सर मैं आपको राजनेता को नमस्कार करता हूँ और मैं अपने आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपका चैनल गरीब आदमी की आवाज भी उठाता है। मेरा सवाल पूरे 1.5 साल से आपके चैनल पे है लेकिन अब तक भाजपा सरकार ने मेरी कोई मदद नहीं करी,
मैं फिर आपका सवाल जो है नीरज जी, मुझे पता है आप अपनी तनख्वाह के बारे में बात करेंगे। हाँ जी, हाँ जी, ये इतना महत्वपूर्ण सवाल है आज के समय, और इसके ऊपर हमें ऐसा लगता है कि चीजें आप इतनी हर कार्यक्रम में फोन करते हैं और यही सवाल आप उठाते ही उठाते हैं, लेकिन देखिए इसमें चीजें ना हमारे हाथ में, लेकिन मोहनलाल गेरा जी एक उनके जरिए एक बार फिर से आपकी बात को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। मोहनलाल जी, नीरज हैं, उनकी तनख्वाह जो है वो कई साल से आगे बढ़ ही नहीं रही है और वो इस बात से परेशान है, और निजी एक कंपनी में कार्य करते हैं, वो चाहते हैं कि उनकी तनख्वाह के बारे में भी सोचा जाए, सरकार अपने अपने बढ़ाती। शुक्रिया नीरज जी, इससे ज़्यादा मैं शायद अभी आपसे बात नहीं कर पाऊंगा क्योंकि विषय आज कुछ और है। मोहनलाल गेरा जी, ये जो बात है कि अगर सरकार सैनिटाइजर हो, और दूसरी बात पीपीई किट हो, और तीसरा मां ये जो जरूरी खर्चा है कि एम्बुलेंस संचालक को रखना ही रखना है, इन चीजों को और सरकार अपने अंडरटेक कर ले और ये खर्चा उनको दे दे या चीजें प्रोवाइड करा दे, और दूसरा जो मिनिमम है नो प्रॉफिट नो लॉस पर वो तय कर दे, तो मुझे लगता है शायद किसी को भी दिक्कत नहीं होगी। मैं तो अरुण भाई, मैंने तो शुरू में आपसे इस बात के लिए मैं सहमत हुआ कि जो हमारे एम्बुलेंस यूनियन के हमारे लोग हैं जो सही तरह से अपनी सर्विस देकर आज हजारों लोगों की, लाखों लोगों की जान बचा रहे हैं, अपनी जान पर खेलकर, अपने परिवार की चिंता ना कर दूसरों के बच्चों को, दूसरों के परिवार के माँ बाप को, दूसरे लोगों को बचाने का काम कर रहे हैं, हम उनको आदर से देखते हुए उनका पूरा सम्मान भी करते हैं और आदर से उनके सामने सिर झुकाते हैं। ये मैं फिर अपनी बात पे आता हूँ, ये जो कानून है, दूसरी तरफ सरकार ने जो कानून बनाया है, ये कानून की भी जरूरत थी, क्योंकि बहुत कुछ लोग जो मौके का फायदा उठाने का प्रयास करते हैं, कुछ मौके का लाभ लेने के लिए जिन्होंने दो दो किलोमीटर, तीन तीन किलोमीटर के दस दस पांच पांच हजार रुपए मांगे, पंद्रह हजार, बीस बीस हजार, चालीस चालीस हजार रुपए लिए, उनके ऊपर सख्ती जरूरी थी, सरकार ने सही दिशा में कदम उठाया। अच्छा, लेकिन सिर्फ ये कदम उठा लेने से अरुण भाई काम नहीं, चीजें नहीं होंगी। ये बात सही है कि इससे थोड़ा और आगे। अच्छा, इसी बीच मोहनलाल जी एक बड़ा सवाल और आ गया सामने, बहुत सारे जो एम्बुलेंस संचालक हैं, हमने आज बहुत सारे लोगों से बात करी, पर्सनली मैंने फोन पर बात करी और मैंने जानना चाहा कि असल में समस्या क्या है, आपका कितना खर्चा आ जाता है। उन्होंने गिनवाया कि गाड़ी अगर ले रखी है तो उसका ईएमआई है, उसके अलावा चलती है तो सड़क पर वो खर्चा, हम तमाम लोग जानते हैं कि गाड़ी चलती है सड़क पर उसका खर्चा आएगा ही आएगा, तो उसको सबको कैलकुलेट करके मिनिमम उसको जितना मिलना चाहिए सरकार ने वो तय नहीं किया, उससे बहुत नीचे तय कर दिया है, ऊपर से जिस खर्चे की अभी हम बात कर रहे थे, पीपीई किट है, मास्क है, इन तमाम चीजों के अलावा एक चीज बड़ी सामने आई, बड़ी दिलचस्प बात है, वो ये कहता है कि अगर हमें ऑक्सीजन ब्लैक में मिलेगी तो दो पैसे तो हम भी कमाएंगे, और अगर दो पैसे कमाएंगे तो अल्टीमेटली किसके ऊपर जाएगा नुकसान, वो मरीज को भुगतना पड़ेगा सारा का सारा, उसके परिजन को भुगतना पड़ेगा। तो इससे एक चीज निकल करके आई कि ब्लैक मार्केटिंग ऑक्सीजन की और दूसरी चीजों की वो रुक नहीं रही है, हालांकि सरकार ने सख्ती दिखाई लेकिन रुक नहीं रही है, खत्म नहीं हुई है अभी तक भी। अरुण भाई, मैं इस तर्क से एकदम सहमत नहीं हूँ कि अगर उनको ब्लैक में मिलेगी तो वो दो पैसे कमाएंगे। पहली बात तो ये महामारी है, आपदा का समय, यहाँ पैसा कमाने का समय नहीं है, यहाँ जान बचाने की बात है। दूसरी बात मैंने अभी आपसे कही थी कि सिर्फ नियम बना लेने से, फाइन मोटा कर देने से काम नहीं चलेगा। सरकार, जो हमारी सरकारें हैं, चाहे वो दिल्ली सरकार हो या कोई भी हो, उनको ये चिंता करनी पड़ेगी कि जो हमारे एम्बुलेंस के लोग हैं उनको अगर ऑक्सीजन की आवश्यकता है तो उनको सरकारी रेट पर ऑक्सीजन उपलब्ध हो, उनको जो बाकी पीपी किट की आवश्यकता है तो उनको पीपी किट उपलब्ध कराई जाए, उन्हें सैनिटाइजर की आवश्यकता है तो सैनिटाइज कराया जाए। खाली नियम, सख्त नियम बना लेने से बात नहीं बनेगी, हमें सरकार, जो सरकारें हैं उनको अपने लोगों को, जो हमारे एम्बुलेंस के लोग हैं, हमारे ड्राइवर हैं, हमारे सारे यूनियन के लोग हैं, इनको आपको सुविधा उपलब्ध करानी पड़ेगी। मैं फिर आपको बताता हूँ, मैंने कल परसों में पढ़ा, एक बहन जो एम्बुलेंस चलाती है, जो खुद एक कैंसर की मरीज है, उसके बावजूद भी वो कोरोना के पेशेंट को एक स्थान से लेकर दूसरे स्थान तक ले जाती है। कितना खतरनाक है, कितना खतरनाक है, कैंसर की बहन जो एम्बुलेंस चला रही है वो पेशेंट को ले जा रही है, उसको अपनी जान प्यारी नहीं है, लेकिन अपनी जान को जोखिम में डालकर आज वो सेवा करने के लिए नहीं, मेरा सवाल कालाबाजारी पे था सर। देखिए, मैं कालाबाजारी की, मैंने कहा कालाबाजारी, इससे मैं इस बात पे एकदम सहमत नहीं हूँ कि उनको ये ब्लैक पे मिल रहा है सिलेंडर या ऑक्सीजन मिल रही है तो वो भी आगे हो, फिर उसको और नहीं, वो आगे कमाए के ना कमाए उस पर नहीं जा रहा हूँ, रोकने की जरूरत है, बात इस पर है कि ब्लैक में मिल रहा है, उसे मिल रहा है ब्लैक में, वो खरीद रहा है कि नहीं खरीद रहा, कितने का खरीद रहा, आगे कितने का बेच रहा, उससे बात नहीं, उसे ब्लैक में मिल रहा है, आसानी से मिल रहा है,
नहीं, आप किसकी बात कर रहे हैं अरुण जी, जो एम्बुलेंस के संचालन सिलेंडर लगे उनकी बात कर रहे हैं या जो जनता खरीद रही है उनकी बात कर रहे हैं? जी, जो ऑक्सीजन सिलेंडर एम्बुलेंस में लगे हैं और निजी एम्बुलेंस जो चलाते हैं, प्राइवेट जो चलाते हैं, उसको ऑक्सीजन की उसमें जरूरत है, ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत है, और इसके अलावा और दूसरी जगहों पर भी, तो वो कह रहे हैं कि ऑक्सीजन जो है ब्लैक में मिल रहा है। नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ कि ये तो सरकार की जिम्मेदारी है ना साहब, जो हमारी जितनी एम्बुलेंस है सब में ऑक्सीजन उपलब्ध कराए। जब ऑक्सीजन उपलब्ध हो जाएगी, ब्लैक में खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना, वो ब्लैक में खरीदेगा ना वो यही तो मैं जानना चाह रहा था कि सरकार तो आपसे पहले अरुण भाई मैं तो आपसे पहले इस बात को कह रहा हूँ कि ये सरकार की जिम्मेदारी है। दिल्ली सरकार हो या कोई भी सरकार हो, वो हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकती। वो हम पे हमारे जो एम्बुलेंस चलाने वाले भाई हैं, उनके आप लाइसेंस रद्द करेंगे, उन पे आप फाइन लगाएंगे, ठीक है, जो गलत काम करे उन पे लगाइए, लेकिन जो ईमानदारी से काम करे उनको उनको ऑक्सीजन सिलेंडर कौन प्रोवाइड करा के देगा? बिल्कुल, सरकार का ही तो काम है ना। ज्यादातर लोगों ने हरियाणा से बात बताई, सर हरियाणा सरकार को भी सोचना, वो उसमें हरियाणा सरकार भी उस जद में आ जाती है। मैं कह रहा हूँ कहीं की भी सरकार है, और उनकी सरकार चाहे दिल्ली की हो कहीं की भी हो। चलिए, ये बात आपने बड़ी, अच्छा मुझे ये बात सही लगी कि आपने बड़ी ईमानदारी से, सर्विस देने वाले लोग भगवान के बराबर है, देव तुल्य है, ये हमारे मतलब एक तरह से दूध का काम कर रहे हैं। ऐसे में वो दूध का काम, अच्छा इन कंडीशंस में जिम्मेदारी किसकी है? इन कंडीशंस में अगर जैसे आपने कहा कि देव तुल्य है और देव दूध का काम कर रहे हैं, अगर इन कंडीशंस में, ऐसा सुरेंद्र जी भी बता रहे थे, बहुत से बीच में कुछ लोग हैं ऐसे जो गलत कर जा रहे हैं, बहुत सा पैसा गलत तरीके से ले जा रहे हैं, तो उनको शिकंजे पे लेने के लिए भी बहुत कुछ करना होगा। सुरेंद्र तंवर, अब मैं बात आपसे करना चाह रहा हूँ, एक बेसिक रेट कितना होना चाहिए तमाम चीजों को, तमाम खर्चे को जोड़ करके? गुड़गांव जैसे शहर में अगर हम बात करें, उसके हिसाब से जो छोटे शहर है वहां पर हो सकता थोड़ा कम होगा, लेकिन गुड़गांव के हिसाब से अगर हम बात करें तो एक बेसिक रेट कितना रखा जाए कि एम्बुलेंस संचालक को भी दिक्कत ना हो, नो प्रॉफिट नो लॉस पर काम आगे चलता चले और इस आपदा में हम सब मिल करके लड़ सकें और आगे बढ़ सकें। अरुण जी, पहले तो मैं धन्यवाद करूंगा हरियाणा सरकार का, जैसे ही हमने उनके संज्ञान में बात लाई कि हमारा रेट कम है, इसमें हमारी गाड़ी का पेट्रोल भी पूरा नहीं होगा, उसी तरह से माननीय सीएम साहब ने आदेश किया प्रशासन को कि इनके रेटों पे दोबारा से पुनः विचार करो, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन फिर जल्दबाजी आज कर गया। आज फिर 3 किलोमीटर 500 रुपए कर दिए, जो हमारे 700-800 रुपए का खर्चा था उसकी अभी भी नहीं सोचा, वो खर्चा फिर यूं का यूं रह गया। हमने कहा इसमें कम से कम ये देख लो भी हमारी गाड़ी की जो एक दिन की ईएमआई है, हमारी गाड़ी की जो सैलरी, ड्राइवर की सैलरी एक दिन की, और उसके बाद तेल के बाद जो हमारी पीपी किट वगैरह का खर्चा है, इसको जोड़ के आप बेशक हमारा मार्जिन मत रखो, भाई महामारी चल रही है, ज्यादा लंबी बात नहीं है, रूटीन में फिर सब कुछ आ जाएगा, लेकिन कम से कम इतना तो करो इसको मेंटेन तो कर सके सर्विस, ठीक है। वो कितना आपको लगता है कितना रेट हो जाए कम से कम किलोमीटर के हिसाब से? आज हमने माननीय डीसी साहब गुड़गांव से मिलने की कोशिश करी थी, डीसी साहब शायद व्यस्त थे तो उनकी जगह ड्यूटी मजिस्ट्रेट सर आए थे, उनको हमने अपना एक लेटर दिया था, उसमें हमने 3 स्लैब बनाई थी, गुड़गांव में जो स्लैब बनी है एक ही स्लैब बना दी, 500 रुपए 700 रुपए वो एक छोटी गाड़ी का हो सकता है। इसमें 3 तरह की गाड़ी है, एक तो मोर्चरी हथवैन होगी सबसे, जिसका शायद डीसी साहब ने रेट बनाया है, उसके बाद बीएलएस होगी जिसमें ऑक्सीजन के साथ पेशेंट को इधर से उधर करते हैं हम, ठीक है, और तीसरी होगी लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस जिसमें स्टाफ भी होता है, वेंटिलेटर मॉनिटर सारी बेसिक होती है, उसमें ऑन कॉल स्टाफ भी होता है, ड्राइवर भी होता है, डॉक्टर भी होता है, उसके रेट उसका खर्चा बहुत ज्यादा आ जाता है। हमने उसका खर्चा लोकल स्टाफ के साथ गुड़गांव के 15 किलोमीटर में 5,500 रुपए का मांग की है, इसमें स्टाफ का भी हो जाएगा, अदर चार्जेस भी हो जाएंगे, ऑप्शन भी हो जाएंगे, और बेसिक जो गाड़ी है उसका हमने और कम उनसे मांगा है, और जो हर्षवैन है मोर्चरी है इसमें उनसे कहा था भाई 3 से 3,500 रुपए का होना चाहिए सारे खर्चे काट के, लेकिन उसमें भी उनको कहीं लगता है कि हमने ज्यादा बता दिया, 3 से 3,500 15 किलोमीटर का। अच्छा 15 किलोमीटर तक का या 15 किलोमीटर तक अगर कोई जाता है, 2 या 3 किलोमीटर जाता है तो उसको भी उतना ही देना? 15 से 20 किलोमीटर। अच्छा 15 से 20 किलोमीटर का, मान लीजिए कोई 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर तक का किसी का है तो उसके लिए अलग अलग उसमें कम से कम 1500 रुपए होना चाहिए, 1500 रुपए कम से कम आप मानते कि होना चाहिए? अच्छा तो इतने रेट, घंटों हमारा लड़का पीपी पहन के खड़ा रहता है, 2.5-3 घंटे एक शिफ्टिंग में लग जाता है, धूप का समय, गर्मी का समय, बहुत मुश्किल होता है। ड्राइवर जो हमारी पहली टीम थी वो सारी टीम क्वारंटाइन है, ऐसा नहीं है कि हमें कोरोना नहीं होता या हमें बीमारी नहीं लगती,
हमारे साथियों के चेहरे काले पड़ गए। चलिए ठीक है, तो आपको लगता है कि अगर 1500 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर तक की बहुत कम दूरी की बात है तो वहां तक अगर 1500 रुपए चार्ज किए जाते हैं तो उसमें नो प्रॉफिट नो लॉस वाली बात आप समझते हैं? बिल्कुल, लेकिन अगर चल सकती है। अच्छा, चल सकती है। मैं इस पर और बात करूंगा। एक दर्शक है राजन हमारे साथ। राजन, बहुत देर आपको इंतजार कराया, आप जुड़ गए हैं, अपनी बात आप रख सकते हैं, फिर हम मोहनलाल जी से बात करें। राजन जी, आप अपने टेलीविजन की आवाज कम कीजिए पहले। नमस्कार सर। हाँ राजन बताएं। नमस्कार सर जी। नमस्कार, बताइए सर। मैं सुरेंद्र तंवर जी की बात सुन रहा था बड़े ध्यान से, जो ये रेट सुधारे थे। देखिए, एक तरह से देखा जाए जो 15 से 20 किलोमीटर के लिए 3-3.5 हजार रुपए जायज रेट है जी। और लेकिन यदि कोई बिल्कुल 1-2 किलोमीटर है उसके लिए, अब ये तो है नहीं कि कोई गाड़ी की एवरेज देखे वो तो उसी हिसाब से उसको 200-300 रुपए लेगा। उसकी गाड़ी का मैं ड्राइवर भी जाएगा उसको, तो टाइम भी वेस्ट होगा। वो बता रहे हो 1500 उसके लिए, वो कह रहे हैं कि 1500 मिनिमम अगर होता है तो 1-2 किलोमीटर 3 किलोमीटर तक की दिक्कत। 1500 मिनिमम का मतलब है। चलिए, इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण चीज मुझे पूछनी है। बहुत शुक्रिया राजन जी, बहुत महत्वपूर्ण चीज मुझे आपसे सुरेंद्र जी पूछनी है। आप अब आखिरी कुछ सेकंड और हैं। मैं चाहता हूं कि आप हमारे तमाम दर्शकों को एक मैसेज दें यहां से और बताएं कि अगर कोई भी एम्बुलेंस संचालक गलत तरीके से पैसे चार्ज करता है या कोई मोबाइल एप्लीकेशन गलत तरीके से पैसे चार्ज करती है तो उन्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में किसी का भाई, किसी की माता, किसी के पिता अगर वो बीमार हैं, उन्हें तुरंत एम्बुलेंस चाहिए, वो भी ऑक्सीजन सपोर्ट के साथ, तो वो क्या कर सकते हैं ताकि उन्हें भी समस्या ना हो और किसी एम्बुलेंस संचालक को भी उसमें लगे कि बहुत कम पैसे या बहुत ज्यादा पैसे ना ले लिए जाए। मैं गुड़गांव के निवासियों से एक अपील करना चाहूंगा, जितने भी गुड़गांव में हॉस्पिटल है उनमें सब में प्राइवेट एम्बुलेंस ऑपरेटरों की लिस्ट है। हॉस्पिटलों से नंबर ले, एम्बुलेंस ऑपरेटर को कॉल करे, उसमें ना तो आपको एक्स्ट्रा एम्बुलेंस ऑपरेटर मांग सकता, क्योंकि कोई मेरे से कहता है कि भाई मेरे को आपका नंबर ठीक है तो ऐसे मिला है, उसका नाम बताए, तो उसमें एक तो आपसे कोई ज्यादा पैसे नहीं ले सकता। ठीक बात है। दूसरा, जो ये मोबाइल ऐप वाले कालाबाजारी कर रहे हैं, जो बदनाम कर रहे हैं और बीच में कोई जो ये बदनामी कर रहे हैं, सब कुछ रुक जाएगा। मेरा सबसे निवेदन है, सब अगर एम्बुलेंस ले तो हॉस्पिटल से नंबर। अच्छा, दूसरा एक ये भी कि अब क्योंकि ये ऐसा समय है, तो आपदा का समय है, ऐसे में जब तक चीजें दुरुस्त नहीं हो जाती है तब तक हम भी तमाम हमारे दर्शकों और लोगों की तरफ से तमाम एम्बुलेंस संचालकों को सैल्यूट भी करते हैं कि वो ऐसे में काम कर रहे हैं, और एक गुजारिश भी है कि बहुत जायज चीजों को लेकर के चलें क्योंकि नहीं पता किसी को किस इस बीमारी में कितना पैसा खर्च करना पड़ जाता है। बहुत शुक्रिया सुरेंद्र जी और मोहनलाल जी, आप लोग जुड़े और जनता के तमाम सवालों का जवाब भी दिया, और आप लोग भी जुड़े, अपने सवाल आप लोगों ने उठाए, ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है और ऐसे में अब जरूरत है सही तरीके से सही सोच की और सही मामले में आपदा में लूट की नहीं, आपदा में अवसर की। आपदा में अवसर तलाशिए, लूट के तरीके नहीं। दीजिए इजाजत, नमस्कार।